हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम सीखते हैं कि डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं। फाइंड डिटरमिनेंट्स, तो डिटरमिनेंट का सिंबल ये होता है ओनली फोर, क्या है ये हमारा लाइन। तो 3×3 मैट्रिक्स का ये डिटरमिनेंट इसका कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं। जैसे ये फर्स्ट है हमारा, ठीक है, तो ये हम 3 लिखेंगे फर्स्ट में, देन फिर देखिए ये 3 मीन्स क्या कि हमारा फर्स्ट कॉलम और ये हमारा फर्स्ट रो, ये दोनों को हम ढक देंगे। ये फर्स्ट रो ढक गया और फर्स्ट कॉलम ढक गया, तो हमारा क्या बच गया, ये बच गया 0, -1, -5 और 0, ठीक है, ये हम लिखेंगे। देन फिर क्या करना है, यहाँ पे क्या होता है कि माइनस का साइन होता है। माइनस का साइन इसलिए होता है क्योंकि देखिए यहाँ पे वन टर्म होता है ना, तो -1 × -1 तो हो गया यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाएगा -1 × -1 × -1, तो -1 हो जाता है हमारा, इसीलिए यहाँ पे माइनस का सिंबल होगा। देन फिर देखिए ये हमारा -1, अब हम सेकेंड वाला टर्म लेते हैं तो -1, तो ये -1 हम लिखेंगे। देन देखिए अब क्या हो गया कि ये हमारा फर्स्ट रो में है एंड सेकेंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो ये हम ढक देंगे और सेकेंड कॉलम को हम ढक देंगे, तो क्या हमारा दिख रहा है, ये देखिए ये 0, -1, 3 और 0 दिख रहा है, ये हम लिखेंगे। देन फिर क्या होता है, अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एक बार प्लस होगा फिर माइनस होगा फिर प्लस होगा, इसे आप याद रख सकते हैं। देन ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो देखिए अब क्या है, प्लस में यहाँ क्या है -2, तो ये हमारा -2 हम लिखेंगे यहाँ पे। देन देखिए ये फर्स्ट रो, ठीक है, और ये हमारा थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम को ढक देते हैं, तो ये हमें क्या दिख रहा है, ये हमारा दिख रहा है 0, 0, 3 और -5, ये हमें दिख गया। देन फिर इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि देख सकते ये हमारा 3 रहेगा, एंड देन देखिए 2×2 मैट्रिक्स ये हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं कि हम पहले क्या करते हैं कि ये हमारा जो डायगोनल बनता है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0×0 क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। देन माइनस का सिंबल होता है, फिर देखिए यहाँ पे क्या कि -5×-1, तो -, प्लस हो गया, 5×1, 5 हो गया, तो यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा। ये -×-1, तो -, प्लस हो जाता है। देन देखिए 0×0, ये डायगोनल पहले किया जाता है इंटू, तो 0 हो जाएगा, एंड देन यहाँ माइनस का सिंबल होता है, और 3×-1 तो क्या हो जाएगा, -3, तो यहाँ पे हम -3 लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा। एंड देन फिर देखिए प्लस है यहाँ पे और -2 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -2 हमारा हो जाएगा यहाँ पे। देन फिर ये डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0×-5, तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, 0 हो जाता है, तो हमारा 0 हो जाएगा। देन माइनस का सिंबल होता है, फिर 3×0, तो क्या हो जाएगा, हमारा ये भी 0 हो जाएगा, ये हो गया। देन देखिए अब 3×0 करेंगे तो क्या 0 हो जाएगा, और 3×-5 करेंगे तो कितना हो जा रहा है हमारा, -15, माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे रहता है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। देन फिर क्या करना है कि प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस है, तो 0×0 करेंगे, मतलब 1 यहाँ पे रख सकते हैं, मान सकते हैं, या कुछ भी नहीं रहे तो 1 ही होता है। देन फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हमारा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कि -2×0, तो क्या हो गया 0, और फिर ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे -2×-0=0 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए -15+3=2 क्या हो जाता है, -12, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं कि शॉर्ट ट्रिक में हम इसको कैसे सॉल्व, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा ऐसे सॉल्व करने में, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक देखिए, जैसे ये हमारा क्या दिया हुआ था, 3, 0, 3, -1, 0, -5, -2, -1, 0, ये दिया हुआ था, और हम जो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम हो गया, और फर्स्ट कॉलम को फिर से लिख लेते हैं 0, 3, 0, और सेकेंड कॉलम को भी 0, -5, ये हो गया हमारा। देन फिर अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सो ये 3 ये डायगोनल वाइज जाएंगे, यहाँ से डायगोनल और यहाँ से डायगोनल, ठीक है, तो देखिए 3×0×0 ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो रहा है, हमारा 0 हो रहा है, ठीक है, और इधर एडिंग का साइन देंगे प्लस, देखिए -1×-1, ठीक है, और × 3, तो क्या हो जाएगा, -1 - प्लस हो जाएगा, तो और 1×1×3 तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो गया। देन -2×0 और −5, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, वैल्यू 0 हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, देखिए अब जो डायगोनल देंगे हम इस साइड से डायगोनल देंगे, यहाँ से डायगोनल देंगे, देन यहाँ पे
एंड यहाँ पे, और ये हम माइनस करेंगे, फिर क्या हो जाएगा देखिए, माइनस टू इंटू जीरो इंटू थ्री, तो क्या हो जाएगा ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा। देन प्लस, फिर देखिए थ्री इंटू माइनस वन इंटू माइनस फाइव, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, थ्री इंटू वन इंटू फाइव, तो क्या हो जा रहा है फिफ्टीन, ठीक है। एंड देन देखिए ये हमारा क्या कि जीरो इंटू जीरो इंटू माइनस वन, तो ये हमारा ज़ीरो हो गया। फिर क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे थ्री बचेगा और यहाँ पे माइनस हमारा फिफ्टीन बचेगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा माइनस ट्वेल्व। देखिए ये शॉर्ट ट्रिक से भी माइनस ट्वेल्व आया आंसर, और इससे भी माइनस ट्वेल्व आया आंसर। उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि डिटरमिनेंट्स कैसे निकालेंगे।